हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले इनटेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर मोशन पेज नंबर 100 क्वेश्चन 1, 2, 3. फर्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल. तो अगर किसी ऑब्जेक्ट ने कुछ डिस्टेंस कवर किया है, सपोज ए से स्टार्ट किया, बी से गया, सी तक गया, डी तक गया और वापस ए पे आ गया, तो डिस्टेंस कितना होगा इन सबकी साइड्स का सम. सपोज ये 5 मीटर गया, 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 5 + 5 + 5 + 5, दैट इज 20 मीटर. ठीक है, तो डिस्टेंस तो कुछ है, डिस्टेंस 20 मीटर. और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट होता है डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन. तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर जीरो है. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है इफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर सेम. जैसे इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट ए and reaches to the same point, then it will have zero displacement. ऐसा ही हम एक और केस ले लेते हैं. सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट ए से गया और वापस से ए पे आ गया, तो ऐसे केस में भी जीरो डिस्प्लेसमेंट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, a farmer moves along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds. ठीक है, तो एक बार वो स्क्वायर फील्ड की बाउंड्री को कवर करता है 1 राउंड में 40 सेकेंड. 1 राउंड में 40 सेकेंड, 1 राउंड को करने में उसको लगा 40 सेकेंड्स. इसके बाद यहाँ पर बोला है व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड पे उसका क्या बताना है आपको, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा. तो पहले इसको निकालें. 2 मिनट्स को हम 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, तो 2 मिनट मीन्स 2 × 60 और 20 सेकेंड ऐड कर देंगे, तो ये आ गया 140 सेकेंड. मतलब 140 सेकेंड में वो कहाँ पहुंचा, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा. तो अब देखिए, अगर 1 राउंड लिया तो 40 सेकेंड, 2 राउंड्स लिए तो 40 + 40 80 सेकेंड लग गया उसको. ठीक है, अगर 3 राउंड लिए उसने तो क्या होगा, +40 और मतलब 120 सेकेंड. अगर वो एक बार और 4th राउंड पूरा ले लेगा तो +40 मतलब 160 सेकेंड हो जाएगा. ठीक है, इसका मतलब वो 3.5 राउंड लेगा, 3.5 राउंड में 140 सेकेंड होंगे. ठीक है, मतलब आप यहाँ से चालू करते हैं. ये हो गया 1st राउंड 40 सेकेंड, 2nd राउंड 80 सेकेंड, 3rd राउंड तक आते आते 120 सेकेंड और 140 सेकेंड मतलब यहाँ तक पहुंचा. ठीक है, 3.5 राउंड यहीं तक हुआ ना. तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट विल बी AC. अब यहाँ पर आप, क्योंकि स्क्वायर फील्ड है तो यहाँ पर 90 डिग्री होगा, वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री और ये 10 मीटर क्योंकि स्क्वायर फील्ड है, तो हम AC कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. AC² विल बी इक्वल टू AB² + BC², सो AC विल बी स्क्वायर रूट ऑफ AB² + BC². 10 पुट कर देंगे, 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100 दैट इज 2 × 100. ठीक है, 100 का स्क्वायर रूट 10, तो 10√2 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट, रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट. Last question, which of the following is true for displacement? It cannot be zero. देखिए displacement एक बार देख लीजिए, distance क्या होता है, shortest distance होता है actual path length, और displacement is the shortest distance between initial and final position. तो distance अगर कोई moving object है तो वो कभी भी zero नहीं हो सकता. अगर moving object है तो distance cannot be zero. लेकिन फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव और कैन बी जीरो. ठीक है, तो यहाँ पर बोला है इट कैन नॉट बी जीरो डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, सो दिस इज नॉट ट्रू स्टेटमेंट. आगे है इट्स मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन डिस्टेंस. नहीं, कभी नहीं हो सकता. ऐसा क्यों? सपोज एक ऑब्जेक्ट ए से बी गया, बी से सी गया और वापस से बी पे आ गया, ए से बी गया, बी से सी और वापस से बी आ गया. ठीक है, तो ये 20 मीटर ले लेते हैं, ये 10 मीटर ले लेते हैं. तो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ए से बी, बी से सी और सी से बी तक आने में कितना लगा डिस्टेंस, 20 + 10 + 10 कितना हो गया, 40 मीटर डिस्टेंस. और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 20 मीटर. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है, डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है, उससे कम हो सकता है, जीरो हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता. So this also is false statement.